तो बात करेंगे एसआईटिस के बारे में कि एसआईटिस क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा जलोदर, मतलब कि जलोदर मतलब कि नाम से क्लियर, जल और उदर मतलब पेट और पानी की बात चल रही है। तो ये होता क्या है, क्यों हो जाता है, इसका लक्षण क्या है, इलाज क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत छोटा है तो प्लीज़ से पूरा देखें। संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं दोस्तों। एसआईटिस एक मेडिकल टर्म है, कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है। बहुत सारी दूसरी बीमारियों के चलते ये डेवलप हो सकता है। एसआईटिस जलोदर मतलब कि पेट में पानी भर जाना। अगर पेट में पानी भर रहा है तो जाहिर सी बात है निकल भी जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। हर एक ऑर्गन एक झिल्ली के अंदर बंद होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक कैविटी होती है, जो हमारी आंतें हैं, लिवर है, सब कुछ है, किडनी है, ये सब कुछ एक कैविटी के अंदर बंद होती है। इन्हें बोलते हैं क्या, पेरिटोनियल कैविटी। तो ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पानी भरता है, ना कि पेट के अंदर भरता है, ठीक है ना। तो ये कैविटी होल्ड कर लेती है पानी को, एक बोलते हैं कि एक प्रकार का एडिमा डेवलप हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा फूला फूला लगता है। आदमी कन्फ्यूज होता है कि ये गैस बन रही क्या हो रहा है, ठीक है। इतना फूल जाता है कि पेट बड़ा हो जाता है और फिर नसें वगैरह दिखने लगती हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं एसाइटिस। तो बात करते हैं कि कारण क्या होते हैं एसाइटिस डेवलप होने के। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लिवर की कोई भी बीमारी हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी की कोई समस्या हो सकती है, किडनी फेल्यूर, किडनी में इन्फेक्शन, स्टोन, ठीक है, लिम्फेटिक इन्फेक्शन, या एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, शराब ज़्यादा पीता कोई व्यक्ति, तब भी हो सकता है, कोलाइटिस आंतों में इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं, हेप्टोरिनल सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें लिवर और किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। तो ये सारे इन्फेक्शंस की वजह से कई बार पानी भर जाता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, कैविटी में। तो इसलिए बोलते हैं जलोदर। तो अब बात करते हैं कि भाई इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण बहुत ही सिंपल है भाई, पेट फूल जाएगा आदमी का, पेट भरा भरा सा लगेगा, दर्द होगा, सूजन होगी, लाल लाल दिखेगा, हरी हरी नसें दिखेंगी, ये लक्षण होते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है आदमी को भूख प्यास नहीं लगेगी, बुखार वगैरह आ जाएगा। बात करें डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा कि ये जलोदर ही है या नहीं, तो नॉर्मल सा सीटी स्कैन एमआरआई करेंगे। इससे क्यों करेंगे, क्योंकि कई बार जो एसआईटिस है उसका जो फ्लूड है वो दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है, जैसे कि पल्मोनरी हिस्से में पहुंचेगा तो बोल सकते हैं पल्मोनरी एफ्यूजन हो गया, एडिमा हो गया, सेरिब्रल एडिमा बोल सकते हैं, दिमाग तक पहुँच जाता है, तो दूसरे अंगों तक जा सकता है। तो उन अंगों की कंडीशंस को पता करने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन किया जा सकता है। उसके अलावा एक्सरे से भी पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसको चाहे तो पानी निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पानी को निकाला भी जा सकता है डायरेक्ट निडल की सहायता से। और बात करें इलाज की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इलाज डिपेंड करता है हर एक बीमारी के ऊपर। जो बीमारी की वजह से ये चीज़ हुई है उसका इलाज किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि आप ये गोली खिलाना, बाकी फिर भी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है वही रहेगा, पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनिक या कोई भी एनसेड ड्रग चलेगी, साथ में गैस की कंट्रोल करने के लिए एंटासिड दे सकते हैं या पीपीआई दे सकते हैं, कोई मल्टीविटामिन दे सकते हैं, पानी की कमी है तो डीएल आरएनएस वगैरह सब चलाया जा सकता है, ज़्यादा इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स चलेंगे। तो यही सब होता है, बट जो पर्टिकुलर एक बीमारी की वजह से ये हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा वीडियो है एसआईटिस के बारे में, आए थे, आई होप आप समझ गए हों। समझ में आया एसआईटिस क्या होता है तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।